राजस्थान में दिसंबर महीने में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। इस चुनाव में सचिन पायलट की सियासी ताकत और काबिलियत की परीक्षा होगी। कांग्रेस ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों दौसा, देवली, रामगढ़, झुंझुनू पर जीत हासिल की थी, जिन्हें अब बचाना और लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, लेकिन इस उपचुनाव में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की साख ज्यादा दांव पर लगी है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहले तो यह है कि रामगढ़ विधानसभा को छोड़ दे तो बाकी 3 सीटों पर जो विधायक चुनाव जीतकर सांसद बने हैं उन्हें पायलट गुट का माना जाता है। यह 3 नेता हैं, दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला। मुरारीलाल मीणा तो वो नेता है जो 2020 में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी होकर सचिन पायलट के साथ हरियाणा के मानेसर होटल में जाने वाले विधायकों में शामिल थे। दूसरी वजह यह है कि पायलट का प्रभाव पूर्वी राजस्थान में अधिक है। दौसा और देवली उनियारा सीटें उनके पिता राजेश पायलट के समय से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। सचिन पायलट ने बार बार दौसा को कांग्रेस का गढ़ कहा है और यहाँ की सियासी धारा में उनका गहरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। आज से 6 साल पहले 2018 में राजस्थान में एक विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें एक मांडलगढ़ विधानसभा, 2 लोकसभा सीट अलवर और अजमेर शामिल थी। उस समय पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2013 में पायलट के राजस्थान कांग्रेस के कमान संभालने के बाद यह पहला मौका था जब कांग्रेस ने राजस्थान में किसी चुनाव में जीत हासिल की थी। यह उपचुनाव भी एक बार फिर पायलट की सियासी कायाकल्प और दोबारा मरुप्रदेश के सियासी आसमान में उनके लिए टेक ऑफ करने का एक बहुत ही बड़ा मौका था। ये चुनाव पायलट के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए हैं। तब सचिन पायलट सरकार कांग्रेस के केंद्र बिंदु बन गए थे। सचिन पायलट के लिए यह उपचुनाव सियासी कायाकल्प का एक और बड़ा मौका हो सकता है। उनकी कोशिश होगी कि वे अपनी और पार्टी की साख को बनाए रखते हुए राजस्थान के सियासी आसमान में फिर से उड़ान भरे। क्या पायलट अपनी राजनीतिक पहचान को फिर से स्थापित कर पाएंगे, यह सवाल अगले महीने के उपचुनाव के परिणामों पर निर्भर करता है। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।